तेज हो गया जी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम दरख्त के नीचे खड़े हो गए, तो वैसे तो आज वैसे इंजॉय करेंगे जी, नहाएंगे। बहुत गर्मी थी कल, बहुत सख्त गर्मी थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम विवाह जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो मैं सुबह हो चुकी है जी, तकरीबन 6 बज चुके हैं। तो अभी जी हमने नाश्ता नहीं बनाया क्योंकि साथ वाले जो घर हैं वो जी दूध का काम करते हैं, उनके घर दूध आता है, वो हम आएगा दूध तो फिर जी चाय बनाएँगे। और फिर रात वाली जो रोटियाँ हबीब साहब परसों की जो ले के आए हुए हैं 30 रोटियाँ, वो अभी तक जी चल रही है। क्या बात है, शुक्र है, क्या बात है। आटा भी आज कितनी नेमत है अल्लाह। तो आटा जी हमारा ख़त्म हो चुका है, वो भी लाने वाला है। तो हबीब साहब से बोला है कि आज हमें ला कर दे। तो उसके बाद जी फिर उन्हीं रोटियों को जी हम पानी लगा कर घी लगा कर चाय के साथ खाएंगे। गोभी वाला सारा भी पड़ा हुआ है। और आज जी हमारा फिर से जी काम शुरू होने वाला है। इधर वाइट वॉश होगा जी, चूना करेंगे जी अंदर से और बाहर से, वो भी आपके साथ जी शेयर करेंगे। मिस्त्री भाई अभी आ जाएंगे। तो आज फिलहाल जी देखोगे अभी सूरज जो है वो इस तरह हल्का हल्का निकल आया है। जी इधर कोयल की आवाज़ आ रही है, कहीं बैठी हुई है जी। और यहाँ पे जी नाश्ते की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो गई है। और हाँ जी स्टार्ट हो गई है ना भाई नाश्ता। आपने बोला है भूख लगी है, जल्दी नाश्ता बनाए। और ये पत्ती चीनी डाल के चाय बनाते हैं सबसे पहले। और ये देखें जी, ये है जी हमारा रात वाला सालन गोभी वाला। और ये है जी हमारी परसों वाली रोटियां तंदूर वाली बची हुई, इसको पानी लगा के घी लगा के तो ये खाएंगे। और ये देखिए जी मोटर का पानी यहाँ से जी निकल रहा है, भर गई है मोटर माशाल्लाह जी। जब से ये मोटर आई है जी अब तो टैंकी में भी पानी जा रहा है। और ये देखिए पानी निकलता है जी यहाँ से, पता चल जाता है टैंकी जो है हमारी फुल हो गई है। और सालन गर्म हो चुका है जी, चाय बन चुकी है। बाजी जी आप तंदूर वाली रोटियाँ गर्म करेंगे, इनको इस तरह जी पानी में गर्म करेंगे, नरम हो जाएंगी जी इस तरह। और ये देखें जी छांव लगाने लगी हैं जी बच्चियाँ। और ये देखें जी छांव लग गई है। और यहाँ पे जी आप चार पाइयाँ ये वाली जो है वो उधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे धूप आ चुकी है। और ये देखिए जी तंदूर वाली ये रोटी जो है वो पराठा बन चुकी है। यहाँ से आपको दिखाते हैं जी सूरज का व्यू। ये देखिए जी सूरज निकला है माशाल्लाह। तो आज देखें जी यहाँ पे कोई चारपाई नहीं क्योंकि तो सीफ भाई और सारे चले गए हैं जी। और ये जी हमारे सेन का व्यू। अनार देखिए जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत अनार है। कुछ बाजी मीना को तोड़ कर दिए, जो आए हुए थे उन्होंने भी खाए हैं लेकिन अभी भी जी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लगे हुए। और छांव लग गई है तो अब ये सारे बिस्तर वगैरह उठा कर जी उधर शिफ्ट करते हैं। और साथ साथ जी नाश्ता बांधा है। और ये है जी दूसरा पराठा, एक ये है और एक इधर। और ये देखिए जी बच्चियां जो हैं वो सेन साफ़ करेंगी, झाड़ू लगाएंगी। और ये सारे बिस्तर जी बच्चे तय कर रहे हैं।
ये देखे जी बच्चियाँ सारे बिस्तर तय करके चारपाइयाँ इधर रख रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। हबीब साहब आ गए जी, हबीब साहब ना के निकल आए। हाँ जी, आपका नाश्ता तैयार है? अच्छा। हाँ जी, गर्मी ज्यादा है ना इस साइड पे? गर्मी कल तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। नहीं आज इतनी नहीं है गर्मी, आज नहीं है, अभी बारिश होगी। कल भी बारिश बताई हुई थी। अच्छा, वो बारिश पता नहीं किधर चली गई। नहीं बारिश होगी आज इंशाल्लाह, आज से शुरू है बारिश। अल्लाह करे आ जाए बारिश। चारपाइयाँ सेट कर दी हैं जी, और छांव भी लग गई है। यहाँ पे जी नाश्ता तैयार हो रहा है, और नाश्ता तैयार होगा तो नाश्ता करेंगे जी इधर चारपाइयों पे बैठ के करते हैं। चलो अच्छा, ये देखिए जी चूल्हे वाला सामान आ गया। ये चूना जी भिगो के रखा हुआ है भाई ने, और ये ले आए जी घोड़ी। काम जी ये स्टार्ट होगा। ये है जमीन जो डाला जाएगा चूल्हे में। यहाँ पे देखो नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, हबीब साहब बैठे हैं। चलो स्टार्ट कर ले नाश्ता, मैं उधर जी बिजी हो गई थी। चले करें जी, करे करे करे, आप मेरा वेट ना करें। तो अभी बस नाश्ता जी आ चुका है सामने, पराठे हमारे बने हुए, दही है, रात वाला सालन है और चाय है जी। नाश्ता करेंगे, इस जगह पे बैठ चुके हैं क्योंकि जी मिस्त्री भाई आए हुए हैं, वो सबसे पहले जी बैठक में जो है वो वाइट वॉश करेंगे, तो वो भी आपके साथ जी मैंने थोड़ा सा शेयर किया है। बाकी भी आज सारा दिन मेरे ख्याल में वो ये कमरे वगैरह जी अंदर से चूना करेंगे, और साथ जी वो हमारी कब्रें हैं इधर, हमारा अबाई कब्रिस्तान है, तो वही मजदूर जाकर जी वहाँ पर काम करेगा। अभी बाजी जा रही है उसको अपनी कब्रें दिखाने, वहाँ से भी जी हम अपनी वो कब्रों की सफाई करवाएंगे, और मरम्मतें भी थोड़ी सी होने वाली हैं, कोई एक दो कब्र हमारी ख़राब हो चुकी है वो भी ठीक करेंगे जी। आज सारा दिन जी आपके साथ यही शेयर। देखें जी हबीब साहब और बाजी इधर खड़े हैं जी, ये जा रहे कब्रिस्तान, वहाँ पे एक मज़दूर गया हुआ है, उसको अपनी कब्रें बताएंगे कि कौन कौन सी हमारी कब्रें हैं, और उसकी जो सफाइयाँ वगैरह है साइडों से वो करवा कर देगा। हाँ जी वो कर देगा, और सामान मैं उस वक्त तक निकालती हूँ जी इस कमरे से। ठीक हो गया जी, चलो जी। ये देखें जी भाभी आ गई हैं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान आ गए हैं उन्होंने। हाँ जी, अब उनको मजदूर को बताएं आप कि कौन कौन सी हमारी कब्रें हैं। हाँ जी, ये देखें ये हमारी कब्रें हैं इधर। अच्छा, बाजी मीना दे अम्मी दी है पहली पहली उस्मान दे नाने दी। नाने दी ठीक हो गया। और ये वाली ये साड़ी नानी थी। हाँ, तेरी दादी थे साड़ी। मेरी दादी और आपकी नानी की। ठीक हो गया, ये तीन कब्रें इधर हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये जो पक्की कब्रें हैं मामू ने। अच्छा, ये आपके मामू हैं? हाँ, बड़े मामू ने मेरे। ये देखें जी, और मेरे ताया जान हैं ये। हाँ जी, मन रमज़ान जी जी, और उसके साथ वो आगे नाना दादा। ये हमारे दादा जान किया है, ये देखें जी लिखा हुआ है अल्लाह दित्ता कश्मीरी। हाँ, ये हमारे दादा जान की है। ओ, बीच में एक कब्र है कच्ची, वो भी हम पक्की करवाएंगे फिर। हाँ जी, ये है जी हमारे नाना जान की। अच्छा जी, और उधर
आ जाएं जी, मामू ने। हाँ जी, इनके मामू हैं और मेरे वालिद साहब हैं। ये जी हैं जी रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद रफीक अनवर कश्मीरी। हाँ जी, ये उनकी है, इसको भी सही करवाते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया जी। हाँ, जंगल बना हुआ इधर कबरों के ऊपर। उन्होंने देखो ना कितनी मिट्टी डलवाई है, 3-4 ट्रालियां ये साथ, कितना प्यारा हो गया काम। ये मजदूर कह रहे थे हमने ही ये सारा काम किया था, तो मैं भी कह रहा था इधर भी ना तो एक दो ट्रालियाँ डलवा के ये भी टोया वगैरह जो है ना गड़ा ये भी सही करवा लेते हैं सारा। लोग इंजे तो चुक के तो पक्के सट लेने हैं कबरों के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, अपनी तो सटांदे नहीं है तो टोए कड्डी आंदे हैं, कड्डी आंदे। बिल्कुल बिल्कुल, चलें ठीक है, फिर बता दिया मजदूर को तो फिर हम पिछले टाइम फिर चक्कर लगा लेंगे। हाँ जी, देखे जी भाई ने काम शुरू कर दिया, पहले जी सारी सफाई कर ली है, ये साइडों से देखे जी चूना उतार लिया और अब ये नीचे से पहले करेंगे जी वाइट वॉश और फिर जी ऊपर जाकर वहाँ पे करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी नाश्ते के बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, बाजी के आने तक जी मैं बर्तन वाश कर लेती हूँ और उसके बाद जी हम इस कमरे में जाएंगे और पेटियों का सामान जो है वो निकालना है, वहाँ पे धूप लगवानी है जी, वो आज ज़रूर इंशाल्लाह जी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखें जी बाजी आ गई हैं कब्रिस्तान से और ये आटा भी ले आई हैं। आटा भी ले आए हैं। अच्छा, हाँ जी, ये दाल भी ले आए हैं। दाल कौन सी? मसूर की दाल। ये क्या है? मसूर की दाल। अच्छा, दाल नहीं थी? नहीं, कौन सी ना, ये स्टोर से लेके आए, यूटिलिटी स्टोर से जी लेकर आए हैं और कमरे बता दिए। हाँ, दस आए हैं जी, बताए सारा। ये जो दरख्त वक्त बताते हैं। अच्छा, अभी तो जी वो साइडों पर जो झाड़ियाँ कांटेदार उगी हुई हैं उसकी कटाई होगी। आपने क्या किया पीछे से का? मैंने बर्तन धोए हैं, वो देखे जी मैंने बर्तन वाश कर लिए हैं पीछे से जी। और तो वीरा ने क्या किया? और ये आटा आ गया, हमारा आटा खत्म था जी, तंदूर वाली तंदूर वाली रोटी आपने मैं 3 दिन खिलाई है, 650। हाँ, 650 चले, कोई बात नहीं। तो अभी बस चारपाइयाँ जी मैंने बाहर बिछा ली हैं और ये पेटियाँ खोलने लगे हैं, सारा सामान निकाल कर जी बाहर चारपाइयों पर डालेंगे ताकि ज़रा धूप लग जाए। वो अटैची जी मैंने और बाजी ने निकाली है, हस्बैंड साहब जाकर जी सो गए हैं, वो कह रहे थे जी मैंने आज वापस चलना है, बिल वगैरह जमा करवाने हैं, तो मैंने बोला कि कहाँ चले जाएं, तो ये सारा काम जी मैंने और बाजी ने करना है। फिर हम कहते हैं जी सारे के आपकी बेटियां भी इधर है, वीडियो के सामने हमने आना है तो फिर हम ही करेंगे काम। बिस्तर जी हमने निकाली है, चारपाइयों पे बिछा दी हैं, आज इनको जी धूप लगती रहेगी और पेटियाँ भी निकालते हैं। और ये जी मेरे जहेज़ के सारे ये बिस्तर हैं जी, तो आज बहुत अच्छे के बाद जी मैंने इनको धूप लगवाई है और फिर फिनाइल लाएंगे और वो पेटी में डालेंगे जी।
ये देखे जी काले स्याह बादल आ गए हैं जी इस तरफ से। बिस्तर जी हमने डाली है और ये जी छाँव छाँव देखिए जी छाँव उतार दिए और बादल काले से आ गए हैं, काले से आए और भाई चूना जो है वो काले हैं। तो सामने देखे जी बिस्तर को जी हम उठा कर उस कमरे में रख देते हैं, ये जी दूसरे कमरे में रखने लगे बाजी। और यहाँ पे जी हम दो चार पाइयाँ बिछा देते हैं और बाहर वाले बिस्तर जो है वो इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है भाजी। और ये जी सारे मिलजुल कर जी हम बिस्तर जो है वो अंदर ले जाएंगे। सारी बच्चियाँ जी सारे बिस्तर अंदर रख रही हैं, साथ बाजी भी लगी हुई है। और ये देखे जी सारे जल्दी जल्दी से जी हमने बिस्तर जो है वो अंदर कर लिया और बाजी भी ला रही हैं, बच्चे भी ला रहे हैं। इस तरह से जी बादल आए हैं काले स्याह, ये देखिए ऐसा लग रहा है बादल बारिश आने वाली है बहुत तेज़। ये देखें जी सारी चारपाइयाँ खाली हो गई हैं, सारे बिस्तर अंदर कर ली और छाँव भी जी हमने उतार ली है। मौसम एकदम से बहुत खुशगवार हो गया जी, सूरज छुप गया जी, हवा चल रही है जी ठंडी ठंडी। ये देखें जी बारिश आ गई है, ये देखें बारिश स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे थोड़ी देर पहले सामान पड़ा हुआ था, रजाइयाँ और बिस्तर वगैरह जी वो हमने अंदर रख लिया है। तो अब हम जी पूरी चारपाइयों पे जी खुद बैठ गए, मौसम अच्छा हो गया, बादल देखने की तरफ बने हुए हैं तो अब धूप नहीं है, छाँव उतार दी है तो इधर बैठ गए हैं। तो वेट कर रहे हैं जी अगर धूप निकल आए तो फिर दोबारा से बिस्तर डालेंगे और फिर जी कोई और भी काम करने वाला हुआ तो वो भी करेंगे, क्योंकि अभी तो अंधेरी चल रही है जी। देखिए कितना डर पड़ गया है, सारे जी ये पत्ते वगैरह गए, फिलहाल तो हम कोई काम नहीं कर सकते, तो वेट कर रहे हैं जी या तो बारिश आ जाए या फिर धूप निकलना। और जी हमारे कुछ गेस्ट आ गए हैं और जो मजदूर भाई भी काम कर रहे हैं कब्रिस्तान में और जो भाई चूना कर रहे हैं, सबके लिए यहाँ पे बनेगी स्पंजबीन। लेमन डाल दी अभी इसमें जी और पानी डाला जाएगा और दो जग बनाए जाएंगे है ना। जी बारिश स्टार्ट हो गई है, हाँ जी इधर जी पीर साहब को मिलने कोई आया है, उनके गेस्ट है, बाजी कह रही है बारिश आ गई है। तो अब जी मज़दूर को और मिस्त्री वो जो भाई लगा हुआ चूने वाला उनको भी जी पानी देना है। बारिश जी बरसना शुरू हो गई है, सारी जी हमने इस कमरे में चारपाइयाँ रख दी हैं। जी मिस्त्री भाई को पानी देने जा रही है जो भाई वाइट वाश कर है। ये देखिए जी मौसम एकदम से बहुत प्यारा हो गया जी। और ये देखें जी भाई मिस्त्री ने काफ़ी काम कर लिया है जी। ये देखिए जी बारिश तेज हो गई है, बारिश तेज हो गई है जी बहुत ज्यादा, यहाँ पे हम दरख्त के नीचे खड़े हो गए तो वैसे तो आज वैसे एंजॉय करेंगे जी, नहाएंगे। बहुत गर्मी थी कल, बहुत सख्त गर्मी थी जी, शुक्र है अल्लाह पाक का जी बारिश है जनाब। मैंने इनको बोला था जी आज से बारिशें शुरू है, अल्लाह ने करम किया शुरू हो गया। ये तो जा रहे थे जी सुबह, कह रहे थे गर्मी बहुत ज्यादा है ना, आज बारिशें शुरू। मैं भाग रहा हूँ जी, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना ही काम था, इन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है जी। तो भी मैं यहाँ से जी मिट्टी गिरना स्टार्ट हो गई है, सफाई करेंगे क्योंकि थोड़ी मिट्टी जी जम जाती है। बहुत गर्मी थी
اللہ کا شکر ہے بارش ہوئی ہے, بہت اچھی بارش ہوئی ہے, مزہ آ گیا, پور 90% بارش ہوئی ہے آج. تو بارش ہو رہی ہے, چلتی ہوئی ہے, لیکن بادل پھر آ گیا جی. تو یہ دیکھیں جی, ساری ہماری چھتوں کی بھی مٹی ہے, کیونکہ کچا مکان ہے جی, اوپر سے مٹی ہے ساری, اوپر سے گر گر کے دیکھیں جی, ساری بھی وہاں تک جا رہی ہے. اور بازی نے جھاڑو کافی زیادہ لگایا ہے, تو یہ نہ ہو جی کوئی اور ہی ہمیں ابھی تو ہم وہ کروا رہے ہیں جی مرمتیں وغیرہ, یہ نہ ہو کہ ہمیں چھتوں کی بھی جی وہ لپائی کروانی پڑ جائے, تو ساری مٹی بھی ہماری نیچے ضائع ہو جائے. تو زیادہ بارش نہ آئے, اللہ کرے جی پوری پوری آئے, تاکہ ہمارا جی گھر جو ہے وہ سلامت رہے. یہ دیکھیں جی ساری مٹی جو چھت سے آئی ہے, یہ دیکھیں کتنی زیادہ, پہلے بھی جی ایک دفعہ نالی میں گئی ہے, یہ دوبارہ جا رہی ہے. اور یہ دیکھیں جی ٹاپ پہ دیکھیں جی پانی گر رہا ہے, یہ بھی جی چھت کی ساری مٹی نیچے آئی ہے. اور یہ دیکھیں جی نالی میں, یہ دیکھیں کس طرح مٹی جا رہی ہے جی. دیکھیں جی بارش ختم ہو گئی ہے, ویر صاحب باہر آ گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹی والا کوئی کام کر لے, کیوں باجی؟ کر لیں گے. ہاں پیٹی اس کمرے میں پڑی ہوئی ہے, بستر جی ہم نے ادھر رکھے ہیں, بارش دوبارہ نہ آ جائے اس سے پہلے ہم پیٹی وہاں سے اٹھا کے تو اس کمرے میں شفٹ کریں گے. اور بچے دیکھیں جی یہاں پہ نیچے بیٹھ, ہاں جی انجوائے کر رہے ہیں جی, یہ مینگو بھی لے ہیں, انار توڑے ہیں جی انہوں نے اپنے گھر کے, ہاں جی نہا دھو کر تو اب یہ کھانے پینے کا سلسلہ چل نکلا ہے جی. دیکھیں چل نکلا ہے جناب, موسم بہت پیارا ہو گیا ہے. ہاں جی ابھی میں بازار جاؤں گا, ٹھیک ہے, اور کچھ سودا سلف لے کے آؤں گا صحیح پکانے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابھی بس یہاں سے بھی ہم نے ساری چیزیں ہٹا لی ہیں, تو یہ روم تھوڑا سا ہوادار ہے, میں ہم سوچ رہے ہیں جی پیٹیاں وہاں سے شفٹ کر کے دینے ہیں, وہ کمرہ کھول کے جائیں گے, تو چلتے ہیں جی وہاں پہ کمرہ خالی ہو گیا, پیٹی وہاں سے جی یہاں لے کے آتے ہیں. آ گئی ہے جی اندر, شکر ہے جی یہ کام ہو گیا. کپڑا جی ہم وہی ڈالیں گے کیونکہ اس کے اوپر شیٹ تھی, تو ابھی فی الحال جی ہم اسی کا کپڑا جو ہے وہ دھوئے بغیر ڈالیں گے کیونکہ بارش ہو رہی ہے,
شیٹ پائی تھی نا کپڑا صاف. ہاں جی کپڑا دیکھا جی نیچے سے صاف ہے کیونکہ اس کے اوپر ہی ہم نے شیٹ ڈالی ہوئی تھی, تو ابھی اس کے اوپر دوبارہ سے شیٹ ڈالتے ہیں اور دوبارہ سے چیزیں اس کے اوپر آتے ہیں. جی بھائی اب دوسرا کمرہ کریں گے وہ کونے والا. اور یہ دیکھیں جی دھوپ جو ہے وہ نکلی سٹارٹ ہو گئی ہے, بادل ہٹ گئے ہیں جی سورج کے سامنے سے. اور بھائی ادھر دوسرے کمرے میں آ گئے ہیں اور یہ شیٹ جی ہم نے صاف کر لیا, پیٹی کے اوپر ڈالنے لگے. اور یہ دیکھیں جی سارا سامان جی ہم نے سیٹ کر لیا, یہ سارے کور وغیرہ ساری جی بکس وغیرہ اوپر رکھ لیا. ابھی خالی ہے پیٹی اس لیے جی آواز آ رہی ہے, تو ٹھہر کر جی سارا ادھر والی رضائیں اس میں ڈالتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی ہمارا سامان جو ہے وہ سیٹ ہو گیا. اور یہ دیکھیں جی ایک روم جو ہے وہ وائٹ واش ہو کے اور بڑا جی نیٹ کلین لگ گیا. یہ ہماری بیٹھک ہے جی, یہ ماشاء اللہ جی بہت اچھے طریقے کے ساتھ جی یہ صاف ہو گئی ہے. اور بھائی میرے گھر میں جی گھر چلے گئے ہیں, اب یہ دوسرا کمرہ جی وائٹ واش ہوگا. اور یہ دیکھیں جی دھوپ نکل آئی ہے اور ادھر جی سارے کپڑے جو ہیں بچوں نے جو نہائے تھے جی سارا کپڑے بھی ساتھ واش کر لی ہے. دھوپ دیکھیں جی سین میں آ گئی ہے, بادل جی یہ ہٹتے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ جی یہ بچے بنا رہے ہیں جی آلو کے چپس. یہ ادھر جی چائے پڑی ہے بچوں کی, یہ دیکھیں ان کو گرم کریں گے, گیس چلی گئی تھی جنہوں نے پی نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی ہے. یہ تھوڑے سے جو چپس بنے ہیں جی یہ ان کے ساتھ جی بچے کہہ رہے ہیں ہم نے کھانی ہے. اور یہ حبیب صاحب اور باجی آئے ہیں جی, دوپہر کا وقت ہو گیا جی, بچوں نے کھانا نہیں کھایا تھا, تھوڑے سے چپس جو بنائے ہیں بس وہی ہیں. اور یہ کیا ہے سموسے, سموسے اور کیا لے کر آئیے, اور لے کے آئے ہیں اچھا مٹھائی لے آئی ہے گڑ والی. ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھیں جی بیپ صاحب کافی چیزیں لے آئے ہیں. تو میں باہر جی سامان نکال رہی ہوں کیونکہ گوشت لے آنا ہے, گوشت ٹھیک ہے وہ آج چاول بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلے جی پھر آپ کے ساتھ جی شیئر کرتے ہیں اندر. ٹھیک ہے جی سامان جو ہے وہ باہر نکال لیا ہے اس روم کا کیونکہ ادھر بھی اب وائٹ واش ہوگا. اور اوپر جی بچوں کو میں نے بولا ہے چھاؤں لگائیں, یہاں پہ بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے. اور یہ جی ہم باہر سامان رکھ رہے ہیں, بچے ساتھ لگے ہوئے ہیں جی ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ روم بھی اب جلدی ہو جائے گا. اور اس کے بعد جی پھر اس روم کی باری ہے. اور اس روم سے جی ہم نے سامان نکال لیا ہے, خالی کر لیا ہے کیونکہ یہ بہت گندا جی کرایہ داروں نے کیے ہوئے کمرے, مٹی دھول جراثیم سارے میں نے سوچا جی نکل جائے. سموسے جی باجی بھی کھا رہی ہیں گرم گرم, بارش دے کے جی ہم سموسے لائے تھے دھوپ نکل آئی ہے. اچھا بچے کہہ رہے تھے بارش آئی ہے تو سموسے کھاتے ہیں, سموسے بچے جی ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ میٹھی مٹھائی لے کر آئے ہیں جی گڑ والی, گڑ والی مٹھائی جی جی فریش مٹھائی گڑ والی ادھر کی جی مشہور مٹھائی ہے, بنوا کے لائے. اتنے زیادہ سموسے آ گئے, کتنے آئے 15 سموسے کیا کرنے تھے, 10 پڑے تھے. کلو آئی ہے 400 کی, اس دن جی ہم 500 کی لائے تھے, میں تو داؤ لگ گیا. کدھر سے لائے ہیں آم, کس طرح لائے ہیں مینگو آم, 150 ہے
150 वाओ लंगड़ा ना ये मीठा फिर ये जी चिकन आ गया ये किस तरह किलो है 500 रुपए 500 महंगा है चिकन तो फिर ये है जी समोसे ये दोपहर का खाना है जी बच्चे कह रहे थे जी बारिश आई है तो हबीब साहब से जी सबने फरमाइश की थी समोसे में पकड़े तो ये इन्होंने आज इनकी फरमाइश पूरी कर दी है देखो जी ढेर लगा दिया समोसों का बच्चे बैठे हैं जी चटनी उन्होंने डाली मीठी नमकीन सारी खाए जी बच्चे सारे मिल के साथ ये मीठे में साथ लेकर आए मिठाई ले भी अभी को हाँ ये साथ मिठाई भी सारे खाए और समोसे भी खाए आलू वाले पकौड़े भी हैं कुछ नहीं थी जी घर में पकौड़े बनाते हैं और ये हसना साहब पकौड़े भी देते हैं बारिश दे के जी सारे पकौड़े समोसे कर रहे थे और ये इतना ढेर आ गया वो भी इतना और ये जी मजदूर भाई को भी दे के आते हैं जी तो भी बस आज देखें जी ये 40 रुपए का समोसा हबीब साहब लेकर आए हैं कितना बड़ा है जी माशाल्लाह और हमें दाव लगता रहा हम जी 50 वाला भी लेकर आए हैं 40 का भी ले गया लेकिन वो छोटा था और देखें जी मिठाई में हमें 100 रुपए का दाव लगा है 500 की किलो लेके आए थे आज हबीब साहब जी 400 की बहुत बेहतरीन फ्रेश हाँ जी और ये देखे जी पकौड़े यहाँ पे पड़े वो किस तरह लेकर आए जी पकौड़े तो यही शाम को खा ले 180 रुपए पा 180 रुपए पाओ मिर्चों वाले भी जो पकोड़े आए हैं वो दूसरे आलू वाले भी आए हैं मैं सोच रही थी जी घर में बनाते हैं लेकिन ये ले आए हैं तो इन्होंने थोड़े से लाए हैं ना खा लिए और ये वाले समोसे भी जी मजेदार है चटनी डाली देखिए जी मीठी भी चटनी है और दही वाली भी जी खटी मीठी दोनों चटनी है और ये सारे बच्चों ने जी खा लिए हैं और हम जी रह गए हैं हम खा रहे हैं तो भी बस ये देखें जी शाम हो गई है और ये देखो जी हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई हैं ये कपड़े जी धोए हैं सब ने बारिश हुई थी तो सब के कपड़े जो ख़राब हुए थे जी सब ने वाश कर लिए हैं हस्बैंड साहब इधर बैठे हुए हैं चला गया है वो शादी वाला अभी भी गया हाँ जी मैं जी एक मोहल्ले में फोतगी हो गई थी मैं और बाजी वहाँ पर गए हुए थे अभी अभी आए हैं जी तो ये सारी चीज़ें जी इधर बिखरी हुई हैं यहाँ पर देखे जी दूसरे कमरे में भी वाइट वाश हो चुका है तो मजदूर हाँ जी देखे जी हमारा जो भाई है जो जिसे वाइट वॉश किया है वो ये दोनों कमरे करके चला गया है और वहाँ पे जी आज बच्चियाँ करेंगी जी सफाई और ये देखें जी इस कमरे में जी वाइट वॉश हो गया ये देखें जी गंद वगैरह सारा ख़त्म हो गया जी शुक्र है जी ये दो कमरे और बैठक हमारी साफ हो गई है अच्छा लाइट वाला आया था फिर क्या कहता है वार भी हो जो बोर्ड खराब है स्विच वगैरह मोटर का मोटर के वाल लगने वाले वो ठीक करवा लेते हैं सही है तो गेट वाल लगेगा सही 750 का वो है एक इधर लगेगा वाल 750 का वो है ठीक तो कुछ लेंथ वगैरह वो 300 की वो है मोटर का 500 कह रहा था मेरी मजदूरी हो जाएगी अच्छा 2300 रुपया आपका ये खर्चा ही खर्चा खर्चा ही खर्चा हर तरह खर्चा है तो क्या करने पे खर्चे तो हैं ना घर एक दफ़ा साफ तो हो जाएगा नीट भी हो जाएगा हो जाएगा हाँ जी तो हंडिया में क्या बनाया आज चावल ही बनाने हैं आप आज आप तैयारी करें ना तो मैं बाजी के साथ सफाइयाँ करवा लेती हूँ तैयारी करो हाँ यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह बिछाएं क्यों बाजी कोई बात नहीं ऊपर ही हाँ बारिश आई है देखे जी गांधी गांध पड़ गया हर तरफ और अभी देखे जी उधर वाला सामान भी पड़ा हुआ है ये देखे जी अभी पेटी का सामान इधर पड़ा हुआ है ये देखे जी आज हमने सारा दिन इधर गुजारा है और ये देखे जी सारा सामान इधर बिखरा हुआ है जी ये भी जी कल होगा वाइट वॉश इसका भी जो सामान समेटेंगे और ये कुछ कपड़े वॉश कर रही हैं कुछ झाड़ू लगा रही हैं और यहाँ से जी झाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि काफ़ी पत्ते जो हैं वो ऊपर से गिरे हैं छांव भी उतारने वाली है ये देखिए जी आज फिर गंद ही गंद हो गया घर में इसी तरह ना जब प्रस्ता करवाया इसी तरह गंद पड़ा है बारिश भी हुई है कोई भी काम करवाते हैं तो फौरन गंद पड़ जाता है घर में और ये जी छांव उतर गई है और यहाँ पे जी हस्बैंड साहब जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं चावलों की
टमाटर मिर्ची और ये लहसुन प्याज वगैरह इसकी कटिंग करेंगे। और साथ जी सारे आज बिजी हैं, बच्चे जो हैं जी वो कपड़े वाश कर रहे हैं, बाजी और मैं मिलकर जी चारपाइयाँ निकाल रहे हैं। और मैंने और बाजी ने जी यहाँ पर रख लिए हैं बिस्तर, ये देखें जी सारे बिस्तर जी उन दूसरे कमरे से उठाकर मैंने और बाजी ने यहाँ पे रखे हैं। अभी ठहर कर जी हम इस पेटी में ये सारे बिस्तर रख देंगे। ये देखें जी कमरा जो है वाश हो चुका है पूरा। अब इसमें जी ये बच्चे जो हैं वो रखेंगे ये सारा सामान, बच्चियाँ लगी हुई हैं जी सारा काम कर रही हैं। हाँ, और ये जी बाजी जो है वो चिकन को वाश करने लगी है। दो किलो गोश्त था तो एक किलो जी हम डाल लेते हैं, एक किलो रख लेते हैं। और ये चिकन को जो है जी इसको जल्दी जल्दी वाश कर लेते हैं। ये देखे जी कवे आ गए हैं जी गोश्त देकर, चिकन को देकर और प्याज हसबैंड साहब ने जी तैयार कर लिया है, प्याज टमाटर मिर्च सारा कुछ तैयार कर दिया। पकाएंगे भी आप रही हैं? आप ही पकाएंगे? मैं ही पका दूंगा। चलो सही है, मैं यहाँ पे लहसुन तैयार कर रही हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे चावल वाश हो जाएंगे जल्दी जल्दी। और ये देखें जी हस्बैंड साहब बनाने लगे हैं जी चावल, आज कहते हैं जी मैं बनाऊंगा। तो ये डालेंगे जी इसमें घी, ये जिसके ऊपर आप बैठे हुए ना ये गिर ही ना जाए, टूट ही ना जाए, मूड़ा गिरने दो। जल्दी जल्दी बनाने लगे हैं, गैस में चली जाए। ये प्याज एक डाल दिया जी इन्होंने। और ये देखें जी लहसुन और सब्ज मिर्चें डाली और नमक डालकर जी इसको बाजी दोरी में करने लगी हैं जी बारीक, क्योंकि कोई बंदा फारिग नहीं है तो मैं वीडियो बना रही हूँ जी सबकी। ये देखें जी कमरा वाश हो चुका है तो यहाँ से जी बच्चे जो हैं वो उठा कर सारा सामान अंदर रख लेंगे। आज जी फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें पानी डालें। अभी डालें? थोड़े हो लेना फ्राई। नहीं फिर काले हो जाने ना। नहीं ब्राउन तो हो ना थोड़े। चलो जी ये अब डाल देते हैं जी टमाटर मिर्चे, तीन चार अदद जी टमाटर मिर्चे हैं। और ये जी लहसुन अदरक जी तैयार हो गया तो ये भी डाल देते हैं जी अंदर। ये भी डाल दें इसमें। ये डाल दिया जी। और आज देखें जी पूरा घर जो है बिजी है यहाँ पे, आप बच्चे जी वो मलाइका जो है बर्तन वाश कर रही है जी। जी ये देखिए जी आज देवर भाभी जो है वो चावल बनाएंगे तो हबीब साहब चम्मच चलाएंगे, बाजी मसाले डालेंगे। क्योंकि जो कैमरा मैन है वो बिजी है तो आज वीडियो जो है वो मैंने बनानी है सारी। चलो जी तैयारी हो गई है जी, सबसे पहले डालेंगे बाजी नमक, ये सारे मसाले जी पास रखे हुए। अब ये एक चम्मच मोटी सुर्ख मिर्च कुटी हुई दादड़, एक चम्मच जीरा, ये आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जी काली मिर्च डाल देंगे। और ये जी थोड़ा सा बिरयानी डिब्बा डालेंगे इसमें, बिरयानी मसाला सॉरी, एक चम्मच जी बिरयानी मसाला, ये तेज पात डाल दिया जी। मगरब की अजान हो चुकी है और ये देखे जी यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया जी आज। और ये देखिए जी चांद भी नजर आ रहा है जी। और अब ये आप डालेंगे जी चिकन, एक किलो चिकन है जी। देखिए रोस्ट हो चुका तो अब इसमें हम डालने लग जाएंगे पानी, तीन ग्लास चावल है और छह ग्लास पानी। चलो जी पानी जी पूरा हो चुका है, अब इसके ऊपर ढक्कन देते हैं और उबाल आने का इंतजार करते हैं। और चावल का जी वेट हो रहा है अभी बहुत से काम रहते हैं। ये देखिए जी फर्श कितना गंदा हो चुका है और चार पंगे भी हमने भी छा ली हैं। ये देखिए जी यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं जी अभी।
हमने पेटी खोली है, बिस्तर रख ली है, तो ये जी मेरे जी हेस के सारे है, ये देखे जी सारे, तो इनको जी हम इधर संभालता रखेंगे और फिर और अभी उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, वो आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल जिस पेटी में रखने लगे हैं, दूसरी पेटी भी जी हम खाली करके इधर लाएंगे, तो बाजी अंदर चलेंगी क्योंकि पेटी के अंदर, और हम मैं बाजी को बिस्तर पकड़ाऊंगी और बाजी इसके अंदर भी रखती करेंगे। बस ये देखिए जी पेटी में सारा सामान आ चुका है, पेटी को बंद करते हैं। अभी जी खाना खाने लगी है, बच्चे कह रहे हैं हमें भूख लगी हुई है, दस्तरखान लगाते हैं जी, और उसके बाद जी फिर दूसरी पेटी जो है उसका सामान निकाल के यहाँ लाएंगे जी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जी चटनी उधर साइड में पड़ी थी, ये मैंने उठाई है। खाना जी रख चुका है माशाल्लाह। आज जी अशरफ साहब कह रहे थे जी, बल्कि बच्चों की फरमाइश थी जी चावल बनाए जाए, तो फिर जी टाइम भी बहुत कम था, सालन नहीं बनाया, तो जो चिकन लेकर आए थे वो हमने चावलों में डाल लिया है। साथ ये सुबह वाली दही पड़ी हुई है, और ये हमारे समोसे भी बचे हुए जी दोपहर वाले, ये चटनियां भी पड़ी हुई है, और ये जो मैंगो लेकर आए थे जी असमत साहब ये भी है जी जी। तो बाजी जी चावल डालेंगी और फिर बच्चे जो है वो मैंगो की कटिंग कर ले, अपने अपने समोसे भी ले ले, ताकि जी हमारे घर में फ्रिज तो है नहीं, खराब ही हो जाए, ये इनको खत्म करें। सही है, हाँ जी। बच्चे जी साइडों पर बैठे हुए हैं, ये देखें जी चावल हमारे पक चुके हैं, और बाजी डाल देंगी सबको ये प्लेटों में। आज चावल बनाए हैं जी हबीब साहब ने, कैसे जबरदस्त। अच्छा जी, खा के पता चलेगा, खा के भी देख लें आप। और ये देखें जी हबीब साहब के पकौड़े पड़े हुए थे दोपहर वाले, इन्होंने डाल। और भी बस ये देखे जी कोल्ड ड्रिंक्स भी जी मैंने एक बोतल बची हुई थी, मेरे हाथ में एक और पड़ी है। तो खाना जी सबने शुरू कर दिया, बताया नहीं किसी ने के कैसा टेस्ट है, मैंने बोला तो है बहुत मजेदार बने, मजेदार बने। हाँ ठीक है, तो मैंने जी दोपहर को समोसे खाए हैं, अभी तक जी मेरे हजम नहीं हुए, मुझे तो समोसों पर बेकार आ रहे तो मैं बस थोड़े से टेस्ट करूंगी जी, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है जी, यहाँ से जी टेस्ट करते हैं कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह चावल बहुत जबरदस्त बने हैं, और कलर मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह के जबदा है हल्दी जी आज ज्यादा डाली है, वैसे जी टेस्टी है माशाल्लाह जी। तो बस अब खाना खाते हैं जी और आपसे इजाजत चाहते हैं, बस अब जी खाना खाएंगे और आपसे इजाजत ले लेते हैं, और खाने के बाद जी हम आपके साथ ये वाला जो पेटी वाला जो है जी शेयरिंग वो जरूर करेंगे, फिलहाल जी आपसे इजाजत ले लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी शेयरिंग रूटीन जो है वो जरूर पसंद आएगी। हसबैंड वाइफ रिक्वेस्ट होती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देती, हमारे जितने बहन भाई दोस्त सब हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे सबको इज्जत मिला पा रहा है, हमारे सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो इतना अच्छा खाना खाने पर जी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी हबीब साहब आए हैं तो हमारी मोजे लगवा दी है, वाला जी हमारा दिल नहीं करता क्योंकि हम तो दूर बैठे हैं, और हमें यही होता है कि हमारे काम हो जाए जल्दी जल्दी, आज ही व्हाइट वॉश भी हो जाएगा इंशाल्लाह, कल हो जाएगा मुकम्मल, और उसके बाद जी थोड़े से और भी काम रहते हैं, कब्रिस्तान में जी हमारी कब्रें हैं वो वहां पे भी जी मिस्त्री लगाया हुआ है, वो भी कल जी वो सारी लिपाई वगैरह वो भी हो जाएगी,
और जब तक हम इधर है जी, ये हमारा अपना असली घर है। और इस घर में जी पहले तो बहुत से जी बंदे रहते थे, अब हम सिर्फ जी दो हो जाएंगे, मैं और बाजी, हमारी दो फैमिली है जी अब इस घर में हिस्सेदार है। तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि अपने इस घर को, घर की हिफाजत करें। तो गाय बगाए जी आते रहते हैं, तो इस दफा जी मैंने इरादा किया हुआ था कि मैंने इंशाल्लाह इंशाल्लाह फेरा जाना, अपने घर की सारी मरम्मत करवानी है, क्योंकि किराएदार जो थे जी उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान जो हमारे मकान को जी पहुंचाया है। तो इंशाल्लाह जी सारी मरम्मत करवा के फिर हम वापस अपने दूसरे घर में चले जाएंगे, वो भी हमारा अपना घर ही है जी। तो वो है तो बाजी मीना का घर, लेकिन जी वो सारा बनाया हमने है, तो वो भी जी जाहिर है आपके सामने सारी रूटीन वहाँ पे शेयर होती है। तो वहाँ पे भी जी हमारी नौकरी है, जॉब है सबकी, तो वो भी जी हमारा अपने ही घर है। तो अब इजाजत दीजिए जी, तो ठीक है व्यूअर्स के साथ ये हम इजाजत दें, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खुदा हाफिज। रात के 11 बज चुके हैं जी, खाना खाने के बाद जी हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, और बाहर से आकर जी हमने वहां से पेटी निकाली और इधर रखी है, और सारा सामान जी हमने इसमें शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा रह गया जी वो इस पेटी में शिफ्ट करते हैं, और फिर जी लाइटें बंद करेंगे। और बिस्तर जी हमारे हो चुके हैं बाहर, देखे जी वीर साहब बाहर ही हैं, और सब बच्चों के जी बिस्तर हो चुके हैं, और फिर जी हम जाकर सो जाएंगे।